गाइस, आज की वीडियो में आपको इंडिया के चार ऐसे स्पोर्ट प्लेयर से मिलाऊंगा जिनकी एज 18 साल से कम है, बट उनका गेम प्ले इतना खतरनाक है कि आप लोग उनको बहुत ज्यादा लव करते हो, सपोर्ट करते हो, और कितने लोग तो उनको अपनी इंस्पिरेशन ही मानते हैं। और जो मेरी लिस्ट के नंबर वन पे है, उसका गेम प्ले एकदम नेक्स्ट लेवल है, और वो ड्रैग हेडशॉट तो इतने खतरनाक मारता है, उसके ड्रैग हेडशॉट देख के मजा आता है। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखना और एंजॉय करना। गाइस, मेरी लिस्ट के चौथे नंबर पे है एरोटी 2, जो टीम एरो से खेलते हैं और जिनकी एज है 13 ईयर। आप में से बहुत लोग उनको जानते होंगे और कितने लोग उनको नहीं भी जानते होंगे। मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। इनका गेम प्ले एकदम नेक्स्ट लेवल है, और ये डबल स्नाइपर तो इतनी खतरनाक चलाते हैं, आप बैकग्राउंड में इनका डबल स्नाइपर वाला गेम प्ले देख ही सकते हो। और बीच में तो लोग ये भी बोल रहे थे एरोटी 2 फ्यूचर में पहाड़ी को स्नाइपिंग में बीट कर देंगे। अब आप सोच ही सकते हो कि एरोटी 2 की स्नाइपिंग कितनी खतरनाक होगी। और रॉकी भाई ने इनके रेटेड पूरी वीडियो बनाई है उनके चैनल में, और इनका यूट्यूब चैनल भी है जिसमें इनके 1.7 लाख सब्सक्राइबर है। और अगर आप एरोटी 2 के फैन हो तो कमेंट बॉक्स में #एरोटी2 लगा देना। गाइस, मेरे लिस्ट के तीसरे नंबर पर है टीजी माफिया, जो टीम टोटल गेमिंग से खेलते हैं और जिनकी एज है 15 ईयर। गाइस, इन्होंने इतने कम टाइम में अपना इतना ज़्यादा नाम बना लिया कि लोग इनको बहुत ज़्यादा लव करते हैं, और कितने लोग तो इनको अपनी इंस्पिरेशन ही मानते हैं। वैसे तो ये सारी गन यूज़ कर लेते हैं, बट ये स्नाइपर इतनी खतरनाक चलाते हैं, इनकी स्नाइपर देख के मजा आता है। आप बैकग्राउंड में इनका स्नाइपर वाला गेम प्ले देख ही सकते हो। और इन्होंने अपनी टीम को बहुत सारे टूर्नामेंट भी जिताए हैं, और इनका यूट्यूब चैनल भी है जिसमें इनके 50K से ऊपर सब्सक्राइबर है। और अगर आप टीजी माफिया के सच्चे फैन हो तो कमेंट बॉक्स में #टीजी माफिया लगा देना। गाइस, मेरे लिस्ट के दूसरे नंबर पर है THG लेजेंड, जो टीम THG से खेलते हैं और जिनकी एज है 17 ईयर। आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे और कितने लोग इनको अपनी इंस्पिरेशन ही मानते होंगे। ये THG टीम के बैकबोन जैसे हैं। जब THG टीम को रसर चाहिए होता है तो ये रसर बन जाते हैं, जब THG टीम को असॉल्टर चाहिए होता है तो ये असॉल्टर बन जाते हैं, जब THG टीम को स्नैपर चाहिए होता है तो ये स्नैपर बन जाते हैं, और ये लॉन्चर भी बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। अब आप सोच सकते हो ये प्लेयर कितना खतरनाक होगा और इसका गेम प्ले किस लेवल का होगा। और गाइस, इन्होंने यूट्यूब में 1 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर कर लिए हैं इतनी कम एज में। अब आप खुद सोच सकते हो इनका गेम प्ले कितना खतरनाक होगा। और अगर आप THG लेजेंड के सच्चे फैन हो तो कमेंट बॉक्स में #THG लेजेंड लगा देना। गाइस, मेरे लिस्ट के नंबर वन पे है टी किलर, जो टीम इलीट से खेलते हैं और जिनकी एज है 17 ईयर। गाइस, इनका दूसरा नाम है ड्रैग हेडशॉट का बाप। अब आप खुद सोच सकते हो जिसका नाम ही हो ड्रैग हेडशॉट का बाप, तो ड्रैग हेडशॉट कितना खतरनाक मारता होगा। और ये ज़्यादा वुडपैकर गन यूज़ करते हैं लॉन्ग रेंज में, और ये 1 टैप ही मारते हैं वुडपैकर से, बहुत कम बॉडी मारते हैं। आप लोग को इनका एक क्लच तो याद ही होगा जब इन्होंने शॉर्ट रेंज में वुडपैकर से 3 बंदों को 1 टैप मार दिया था। अब आप इमेजिन कर सकते हो इनका गेम प्ले कितना खतरनाक है। और ये शॉर्ट गन तो इतनी खतरनाक चलाते हैं, जब घुसते हैं तो इजिली 1v3 या 1v4 क्लच कर देते हैं। और इनका यूट्यूब चैनल भी है जिसमें इनके 3.4 लाख सब्सक्राइबर हैं। और अगर आप किलर के सच्चे फैन हो तो कमेंट बॉक्स में #किलर लगा देना। और गाइस, मैंने ये वीडियो अपने ओपिनियन से बनाई है। अगर आपको लगता है लिस्ट में नंबर 1 पे कोई और होना चाहिए था, या कोई और प्लेयर जिसको मैंने नहीं लिया है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट पार्ट में लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।